नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में वापस से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल टाइप पजल्स का आज है सेट नंबर 10। इससे पहले मैंने सेट नंबर 9 में मंथ और डेट बेस्ड पजल करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे ईयर बेस्ड पजल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको ईयर बेस्ड पजल्स में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। अच्छा गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बिट होता है जिसको आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट बोल सकते हो, जो कि पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। अगर आप इसको क्रैक कर रहे हो तो आपको अमेजोन के वाउचर्स जीतने का मौका मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज। जैसे कि ये तो 25 का था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में 29 अगस्त को भी एक बेहतरीन टेस्ट होने वाला है, और हर संडे को, मतलब अब जो आपका आ रहा है 1 अगस्त को, हर संडे को हमारा एक टेस्ट रहा करेगा, ठीक है। हर संडे को 36 क्वेश्चंस 50 मिनट, तो आप एनरोल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा कोड यूज़ करना है DIVYYT10, और लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है एवरीवन। चलिए तो ये जो मैं आपको बता रही थी अनअकैडमी कॉम्बिट के बारे में, तो वो कॉम्बिट जो है वो ये वाला है, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ठीक है। आप ये कॉम्बिट देख सकते हो, आप लोगों को ये जो है ये अनअकैडमी कॉम्बिट देना है, और इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी कैसी है। 1000 लक्की विनर्स को ये एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और आप डायरेक्टली प्लस भी ले सकते हो। प्लस के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो DIVYLIFE या फिर DIVYYT10। चलिए तो पहले आप करोगे पजल, फिर मैं समझाऊंगी किस तरीके से करनी है। पजल नंबर फर्स्ट,
एवरीवन सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, जब भी आपकी ईयर बेस्ड पजल्स आती हैं तो सबसे पहले आप जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है उसको ऊपर लिखोगे, और फिर सबसे लास्ट में जिसका जन्म सबसे लास्ट में हुआ है। अब ईयर कैसे निकालोगे, देखो सबकी एज 2021 के अकॉर्डिंग करनी है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 2004 वाला पर्सन 2021 में कितने का होगा, 17 साल का। अब आप 21 को भूल जाओ। अब ये देखो कि 87 और 4 में कितने का डिफरेंस है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे 87 और 4 में डिफरेंस देखोगे तो आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो देख मतलब जब आप ये यहाँ का डिफरेंस देख रहे हो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 17 का, ठीक है? तो आपने जब ये 17 देखा ना, अब 17 में 17 को ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 34। अब यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, तो ये हो गया आपका 45, मतलब +9 कर दिया। 6 का डिफरेंस है, +6 करो 51, है ना? बस इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 70, मतलब कि ये यहाँ पर है 6 5, 11 का डिफरेंस है, 11 ऐड करो मतलब कि 62। यहाँ 6 का डिफरेंस है मतलब कि 8 ऐड करो 68। आ गया समझ में? अब देखते हैं, टी ऑड नंबर है, टी जो है एज जो है उसकी वो ऑड नंबर है। तो अगर टी की एज एक ऑड नंबर है तो या तो 51 है या फिर 45 है या 17 है। एम यंगर है टी से, टी से एम छोटा है मतलब नीचे आएगा, तो यहाँ टी नहीं आ सकता। डिफरेंस ऑफ टी एंड एफ, अब टी और एफ का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर है लेकिन 11 का मल्टीपल नहीं है। डब्ल्यू इवन नंबर पे नहीं है तो डब्ल्यू भी ऑड पे होगा, तो इन तीन जगह पे W आएगा। मोर देन 1% टी एंड W, अब टी W के बीच एक से ज्यादा है तो फिर कंफर्म है W यहाँ नहीं हो सकता, W डिसाइड, क्योंकि कंफर्म है टी इधर ही आएगा तो W तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि टी और W के बीच में अब एक से ज्यादा है तो इसका मतलब टी यहाँ पर होगा। V जेड से बड़ा है, ये हो गया। अब आपको ये देखना है, जैसे हमने ये कंफर्म किया तो हमारे पास में जो कंडीशन आके बचती है वो है यहाँ पर M की। आपको एक बात यहाँ पे दी गई है, एफ और एम के बीच में भी दो हैं, तो अब आप एम को यहाँ भी ले सकते हो, एम को यहाँ भी ले सकते हो, दो छोड़ के आपका एफ आ गया। अब एफ और टी का डिफरेंस कितना है यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको दिया जा रहा है कि 68 है और 51 है, ठीक है? तो हमारा जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है वो 17 है, हाँ ये सही है, और दूसरे वाले में जो है वो 62 है और 51 है मतलब 11 है, तो ये गलत है। पहली वाली कंडीशन सही है, बचा क्या वी और जेड, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। चलिए पजल नंबर सेकंड।
चलिए गाइस सॉल्व कर लेते हैं। 7 पर्सन्स हैं, अलग अलग ईयर में इनका जन्म हुआ है 61। अब जो ईयर दे रखे हैं वो नोट करोगे आप, 61, 65, 73, 80, 87, 02 और 06। ठीक है, अब इनकी एजेस मैंने आपको पिछले वाले में बता दिए तो आप निकाल लोगे। 2020 के अकॉर्डिंग करनी है, मतलब कि ये 14 साल का है, ये 18 का है, 33, 40, 47, 55, 59। ठीक है, अब ये तो निकालना सीख ही गए हो। अब बोला है डिफरेंस ए और सी का 7 ईयर है। ठीक है, ए सी से बड़ा है। अब ये देखो 7 का डिफरेंस कहाँ कहाँ है, 59 से 7 कोई नहीं है, 55 से 15 यहाँ से गए तो ये 2 आना चाहिए, है ही नहीं। एक तो ये रहा डिफरेंस ए और सी का 7 ईयर का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक ये रहा 7 ईयर का बस, और कोई नहीं है। 2 पर्सन ए एंड ई, 1 2 ई, 1 2 ई, इधर भी हो सकता है इधर भी। ई यंगेस्ट नहीं है तो ऊपर होगा। डी प्राइम नंबर है और सी के पहले है तो 59 ही है बस, सी के पहले पॉसिबिलिटी अगर इधर देखें तो 47 है। 3 पर्सन डी एंड जी तो ये जी डिसाइड, और बी इवन नंबर पर है जी के पहले, तो अगर बी इवन नंबर है बी की एज तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, ये हो जाएगा बी, ये बचेगा एफ। पजल डन। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो।
चलिए गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आपको ईयर्स लिखने हैं 56, 65, 79, 81, 93, 99, 03 और 08। एजेस बिल्कुल उसी तरीके से निकालना जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी कि एजेस हमको कैसे निकालनी है, वो आप निकाल सकते हो। 8 वाला 2021 के अकॉर्डिंग 13, ये 18, फिर 22, 28, 40, 52, 56, दैट इज 42, 56 एंड 65। अब देखो क्या बोला गया है, जे की एज 28 से कम है, मतलब जे इन तीन जगह पे हो सकता है। 3 पर्सन जे एंड एस, ठीक है अभी रुक जाते हैं, जे एस के बीच में 3 है, एस 10 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर आप जे को यहाँ रखोगे 1, 2, 3 तो एस नहीं आ पाएगा, तो जे आपका या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ 1, 2, 3 एस और ये एस डिसाइड। 2 पर्सन क्यू एंड एस, ये आपका यहाँ पर क्यू डिसाइड, क्यू ओल्डर है जी से तो ये हमारा जी डिसाइड, ठीक है। जी प्राइम नंबर नहीं है मतलब 13 पे नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। लेस देन 3 पर्सन जी एंड वाई, 1, 2 मतलब लेस देन 3 तो 2 से कम हो गए। अब नीचे भी हो सकता है वाई आ जाए, बट देखते हैं। लेकिन बोला गया है एज डिफरेंस क्यू एंड वाई नॉट मल्टीपल ऑफ 5, अगर आप यहाँ लोगे तो मल्टीपल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो वाई सही है। डिफरेंस वाई एंड ओ इवन नंबर, तो 42 और 40 ये इवन हो जाएगा और एन यंगर है ऐसे है। चलिए तो इसमें 3 ही पजल रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, टेक केयर।